सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव कर सकते हो। मतलब आपको मतलब ये बताऊँगा कि आप लोग जैसे चाहोगे किसी के भी दूसरे बैकग्राउंड से आप मतलब आप अपने पिक्चर को वहाँ कैसे लगाओगे। तो आपको करना कुछ नहीं होगा, इस वीडियो को एंड तक देखना होगा तभी आप लोग समझ पाओगे। तो आपको करना क्या होगा, आपके यदि फ़ोन में यदि होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन तो सही है, यदि नहीं है तो आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लो तभी आप लोग समझ पाओगे। तो करना क्या होगा, चलना होगा अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। लेकिन उससे पहले यदि हो गए चैनल पे नए तो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, और यदि वीडियो पसंद आएगा तो कर लेना वीडियो को लाइक और कमेंट। तो चलते हैं अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन। सो गाइस, आगे हम लोग अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो देखो ये जो है इस एप्लीकेशन को जो आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो इस प्लस वाले पे टैप करोगे, उसके बाद कोई भी मतलब आप लोग फोटो को ऐड कर लोगे जिसका बैकग्राउंड आप लोग को पसंद है। तो आप लोग करना क्या होगा, उस फोटो को इसमें कर लोगे ऐड। जब आप इस फोटो को कर लोगे ऐड तो मैं फिलहाल इस भाई का फोटो ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद आपको करना क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। आ जाओगे ये जो है इस ब्रश वाले पे जब आप लोग आ जाओगे उसके बाद दिखा दो मैं करना क्या होगा आपको। ऊपर ये मतलब दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे जो है ये जो हीलिंग वाला ऑप्शन होता है इसे जो इस हीलिंग वाले जब जाओगे, ठीक है, तो आप इस हीलिंग वाले में चले जाओगे तो आपको करना क्या होगा, देखो थोड़ा सा जूम करके जहाँ जहाँ मतलब आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है और मतलब इसका करना क्या होगा, देखो बता दूँ मैं तो आपको जहाँ जहाँ मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रिमूव करना है उसको आप सेलेक्ट कर दोगे और छोड़ दोगे तो देखो कुछ प्रोसेस होगा। उसके बाद देखो क्या गायब हो गया। ओके, देखो क्या मस्त लग रहा है, देखो अभी कैसे गायब हो जाएगा ये भी। तो देखो गायब हो गया ना, तो मतलब आपको क्या बताओ। उसके बाद यहाँ से आप कर दोगे अप्लाई, उसके बाद देखो यहाँ फिर जाओगे, मैं बता देता हूँ, अब इस जाओगे ब्रश वाले पर, नीचे आ जाओगे इधर एक ये जो है लेंस ब्लर, इस लेंस ब्लर में आ जाओगे। उसके बाद देखो ये जो है ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ ये जो है जो इस पे टैप करके और इसे कर लेना है, ठीक है। इस मतलब करोगे स्क्वायर वाला तो ठीक रहेगा, इसे करके और नीचे जो स्लाइड करोगे तो ये जो है ट्रांस क्या है ट्रांसटीटन, इसको करना है। देखो आप लोग मतलब डिक्रीज कर दोगे, जब डिक्रीज करोगे कुछ इस टाइप का हो जाएगा, और इसको करना इस पर करके ऐसे ही लगा देना साइड में। जब आप इसे साइड में लगा दोगे देखो ऐसे करके थोड़ा इसको ऐसे कर लेना और यहाँ ऐसे नीचे ऐसे लगा दोगे। ओके, तो देखो मतलब कूल लगेगा। और अब इसको करना क्या होगा, देखो इधर जो है ब्लर स्ट्रेंथ इसको बढ़ा दोगे थोड़ा सा। ओके, बढ़ा दोगे और यहाँ से कर दोगे अप्लाई। उसके बाद दोस्तों देखो यदि आपको मतलब देखो ऐसा हो जाएगा, और यदि आप चाहते हो इस पर कोई पिक लगाना तो आप वो भी लगा सकते हो। देखो फोटो क्या कूल मतलब बन गया एकदम बैकग्राउंड जैसा। तो आपको यदि मतलब इसमें कोई पिक लगाना होगा तो आप पिक्सआर्ट से जाके कोई सा भी पिक लगा सकते हो। तो मतलब आप लोग को मैं दिखा ही दिया हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी ऐसे बनाया हुआ जिससे मैं मतलब बैकग्राउंड में कोई सा भी पिक्चर लगा देता हूँ। तो आप लोग वह वीडियो जाके देख सकते हो तो पता चल जाएगा कैसे बैकग्राउंड चेंज होता है। तो आपको मतलब करना क्या होगा, इसे ऐसे सब कर दोगे, उसके बाद इसको मतलब अपने पिक्सआर्ट में ओपन करके आप लोग वहाँ से मतलब कोई भी अपना जो जो फोटो कटआउट किए होंगे उसे इसमें लगा दोगे। तो मतलब यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो करना वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों का शेयर। तो देखो अब इस फोटो को आप लोग सेव कर लोगे, उसके बाद पिक्सआर्ट में लगाओगे। तो ये जो नीचे में है ये जो इस बटन पे आओगे, अच्छा सॉरी इस बटन पे आ जाओगे, इस पे टैप कर दोगे, उसके बाद यहाँ से ये जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन रहता है इसमें जाना, और ये सेव वाले में नहीं जाओगे, ये जो एक्सपोर्ट वाला है इसमें जाओगे। आप एक्सपोर्ट करते हो तो पूरा HD में फोटो बनता है, और यदि वो सेव करते हो तो KB मतलब इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो आप लोग यहाँ से कर लोगे, तो मतलब वीडियो पसंद आया तो करना लाइक। तो देखो हो गया है, तो आप इसे पिक्सआर्ट में ओपन करके एडिट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट हारो वीडियो में।